पहला पहला क्वेश्चन है ट्वेंटी एट वीक्स ट्वेंटी एट इयर्स थर्टी सिक्स वीक्स प्रेग्नेंट एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में प्रेजेंट किए है विद ब्लड प्रेशर टू ट्वेंटी बाई वन टेन एंड पेशेंट हैड वन फिट एपिसोड ऑफ फिट्स बिफोर बिफोर दैट शी वाज नॉट हैविंग एनी हिस्ट्री ऑफ हाइपर और उसको हेड की हिस्ट्री वो एक हफ्ते से दे रही थी और वो प्रेजेंट की है विद विद दिस कंडीशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल वी हाउ विल यू एवेलुएट द पेशेंट एंड हाउ विल यू द सर्जन वांट टू प्रोसीड फॉर सिजेरियन सेक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ऑप्टिमाइजेशन विल यू डू हाउ विल यू एवेलुएट हाउ विल यू व्हाट विल यू डू एंड हाउ विल यू कंडक्ट दिस केस सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उससे uh, हिस्ट्री लूंगी कि उसको फिट कितनी टाइम देर पहले हुआ है कि अगर टू आवर्स हो चुके हैं और उसके अलावा जो है आ, उसके बीपी कंट्रोल करेंगे मैनेज करेंगे और उसकी लैब्स भिजवाएंगे जिसमें उसकी सीबीसी और रेगुलेशन प्रोफाइल वगैरह को मैं देखूंगी उसके अलावा फिट के अभी उसका जीसीएस कैसा है ये ये एवेल्युट करेंगे कि जीसीएस अभी करंटली कैसा जीसीएस है उसका फिर अकॉर्डिंगली जो है उसकी हम प्लान करेंगे लैब्स वगैरह के रिजल्ट्स पे और सारे उस पे फोकस्ड अगर आपने इस पेशेंट में आप जाहिर बात है इस कंडीशन को क्या कहते हैं इस कंडीशन को इसको क्या कहते हैं एक्लिम्पसिया सर लेकिन सर अभी करंटली उसको फे, फेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है ना अगर उसको नहीं 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 अब आप देखें ना आप गलत बोल रहे हैं एक ब्लड प्रेशर के साथ जब उसको फिट्स पड़ गए हैं है? तो आप इसको तो रीकंफर्म कैसे करेंगे इसके अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है पेशेंट को लेबल करने का एक्लेमशिया दो चीजें तो इसके अंदर मौजूद है तीसरी कौन सी चीज आप देखेंगे

मैंने लेबल करना है एकलेंशिया और लेमशिया को लेबल करने के लिए मुझे प्रोटीन ए, एल्बुमिन यूरिया एडिमा दो फे, फेट्स उसको पड़ चुके हैं ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा है एक उसको हो रही थी ठीक है तो उसकी सिस्टामिक इन्वॉल्वमेंट है तो आपको फोकस बात करनी है कि माय माईशन विल बी ऑन द क्योंकि टेबल वाईवे में लॉन्ग कहानी नहीं सुनानी है ठीक है टेबल वाइवे के अंदर आपको फोकस बात करनी है तो अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे एग्जामिनर से इरिटेट होगा फायदा कुछ भी नहीं होगा वो और और करता रहेगा और टाइम जाया होता जाएगा आपका ठीक है तो पहली बात ये हो गई कि आपने इसको लेबल कर दिया। अब आपने अगला जुमला बोलना है पेशेंट के सर्जन ने कि आप उससे बात करेंगे कि कितना टाइम है हमारे पास, ठीक है? इस टाइम पे उसको कौन-कौन सी मेडिकेशंस आप स्टार्ट करेंगे? सर उसको एंटीहार्पेटेंसिव और सीजर के लिए देंगे मैग्नीशियम लोडिंग और मैग्नीशियम लेबिटोलॉल देंगे फॉर एंटी बीपी मैनेजमेंट और मैग्नीशियम की लोडिंग डोज देंगे फोर ग्राम ठीक है आप आप इसमें मैग्नीशियम स्टार्ट करने से पहले कुछ आप बता सकते हैं बात जो आप याद कर लें हर दफा बोल सकती हैं आप वो कि आप इसका बेसलाइन लेवल मैग्नीशियम के भेज देंगे ठीक है और मेक श्योर के पेशेंट का यूरिन आउटपुट है ठीक है जी अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट नहीं है तो आप मैग्नीशियम स्टार्ट करेंगे

एस्पिरेशन नहीं हो सकती असल, है। असल असल बात रीजनल क्यों नहीं दिया आपने सर हो सकती है शुक्रिया वो के बाद ना बाहर <laughs> आके ना सीपीएसपी के जब खाना छाना खा रहे उस वक्त आपको याद आएगा कि एक चीज होती है, उसको जी सर, कहते। है जी सर तो कि इस पेशेंट के अंदर अगर उस टाइम पे नंबर भी है तो भी मुझे बाद में है

तो मैं ये करूंगी ठीक है अब वो आपसे काउंटर पूछेंगे कि आप, आप बजाय इसके ये कि वो आपसे पूछे और आप बताएं तो आप बता दें कि एस्पिरेशन प्रोफाइल एक्सेस दे देंगे और इसके अंदर जो है वो रैम्प पोजिशन करेंगे रैपिड सिक्वेंस इंडक्शन में साथ जो है अगर हमारे पास अवेलेबल है रोक्रोनियम और सुगामेटेक्स तो आप वो भी कर सकते हैं अदरवाइज मैं रैपिड सिक्वेंस इंडक्शन करूंगी आर लाइन में पहले ले लूंगी ताकि मुझे स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर का बेहतर मैं कंट्रोल कर सकूं और साथ में जो है वो बीटा ब्लॉकर के जरिए या इवन इवन नॉर्मली ओपीआईड नहीं देते लेकिन इस पेशेंट में रिस्क वर्सेस बेनिफिट में देअ आर मोर रिस्क इन्वॉल्व इफ आई डोंट गिव सो आई विल इन्फॉर्म द न्यूरोजिस्ट कि मैंने इस पेशेंट का रिफ्लेक्सेस को ब्लैंड करने के लिए मैंने इसको uh, इसको ओपीआईड दिया है ठीक है अगर जी अगर आपके पास रेमी फेंटेनिल अवेलेबल है जिस सेटअप में तो रेमी फेंटेनल देने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो मेटाबोलाइज हो जाएगा अदरवाइज तो भी इस वक्त अगर आप नहीं देते और उसको लोरेंगोस्कोपी का रिस्पांस आता है जिसकी वजह से उसको एनी टेरिबल कॉम्प्लिकेशन क्या कर सो आई विल गिव बिकॉज इन दिस सिनेरियो प्रायोरिटी इज इज टू प्रायोरिटी मदर ठीक है तो आप सर्ज... आप सर्जन को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई इस पेशेंट को देना पड़ा ठीक है उसके बाद जो बाकी चीजें आप बता रही थी आपने अभी ये बोला था फ्लूइड शिफ्ट की वाली बात तो वो फ्लूइड शिफ्ट का जो चक्कर होता है वो कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से होता है हमारा राइट ठीक है जी, जी सर फ्लूइड कौन सा देंगे और कितना देंगे सर बैलेंस क्रिस्टलॉइड ही देंगे और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे साथ अगर एडिक्वेट यूरिन आउटपुट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज करेंगे ठीक है और और सर इसके अंदर यूट्राइन यू जो यू, टोकोलेटिक्स सॉरी जो यूट्राइन टोनिक्स हैं वो कौन सा देंगी और कौन सा नहीं देंगी सर यूट्रोटोनिक्स जो हैं इसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो मैं दूंगी क्योंकि वो थोड़ी सी आ, बीपी भी उसका मैनेज करने में हेल्प करेगा और अब देखें ना ये ये, ये, आपकी, ये आपकी ये आपकी जीबो �

वो नाम बंदे को भूल जाता है नाम की तरह तो हमारी फितरत है तो इस फितरत को बाहर निकाले आप उनसे पेशेंट का पेशन्ट। हो, क्या सेफ है? नहीं सेफ है। ये पेशेंट का कार्डिक लोड है या नहीं है इसके ऊपर हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम हुई हुई है कि नहीं है आप उसका ऑक्सीटोसिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने लगेंगे ये इसी तरीके से है जिस तरह लोग कैटामिन देके आज अभी दे, पहले मैंने सिनेरियो भेजा था तो एक इंसान ने कैटामीन के जरिए हेड इंजरी के पेशेंट को ए, इंड्यूस करवाया था ये वही वाली बात हो गई ऑक्सीटोसिन तो, ये आपने आपने मेरी मेरे भी तबक चौदह तबक रोशन कर दिए कि अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़े तो ऑक्सीटोसिन देके ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लो ठीक है तो गैर ज़रूरी जी, 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 जी सर देखो बेटा मेरी बात सुन परहेज पॉइंट ये बताना चाहिए कि ये इस के अंदर जो कोई भी आप यूट्रोटॉनिक सेफ नहीं है ठीक है तो आपने ये बोला है आपने यूट्रोटॉनिक शुड बी गिवन कॉशियसली बिकॉज ऑफ ऑल्टर्ड हिमोडिक्स ठीक है अब ये इस जुमले के अंदर

और और इस पेशेंट को अब आपने मैग्नीशियम uh, चला दिया है तो आपने मैग्नीशियम के बारे में मैंने आपको जो दो तीन बातें बता दी थी वो आप याद कर लें और वो बोल दिया करें एक बेस लाइन भेज दिया आपने लेवल्स करवा लिए उसकी मॉनिटर करना है आपने, आपने इंट्रोपरेटिवली जब आपने देना है मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो सकता है ठीक है ठीक है और आप उसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिवली आपने इसको कंटिन्यू रखना होता है टिल

तो ये ये अब अब है वो आपसे ब्लीडिंग में पूछे तो बेसिक बात आपने वही और इसके अंदर आपने जो मैं, मैं खुद भी, भूल हूं, आपने भी नहीं बोला फार्मोलॉजिकल एंड एनोटॉमिकल कंसिडरेशन विच देयर इन एनी प्रेगनेंट पेशेंट मेकिंग एनस्थीजिया मैनेजमेंट चैलेंजिंग द फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट एयरवे इन द फॉर्म ऑफ चांसेस ऑफ एक्सपिरेशन इन हाई रिस्क फॉर एम्बोलिज्म इन द फॉर्म ऑफ अल्टर्ड मैक वैल्यू अल्टर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनल लोकल एनेस्थेटिक्स ये आप जुमला एक अपना बना ले और जहां पर भी प्रेग्नेंट पेशेंट आ जाए वहां पर बोल दे ठीक है अब अगला क्वेश्चन कौन आंसर करेगा अजहर कोई चीज एनी एनीथिंग टू बी एडेड सर मेरे ख्याल में सफिशिएंट था आ, बाकी एट टाइम्स वी हैव टू मेटिकुलसली असेस द पेशेंट फॉर

अच्छा अगला अभी देखें ये जो का सिनेरियो है वो या ब्लीडिंग आएगा या हाइपरटेंशन आएगा मोस्ट प्रोबेबली अगर इससे अगले स्टेप में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिनोसिस का कार्डियोमायोपैथी का ठीक है लेबर एनलजीजिया के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं लेबर एनलजीजिया में आपसे वो ये पूछेंगे डिफरेंट ऑप्शन क्या है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कहाँ तक का लेवल चाहिए होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कहां तक चाहिए होता है एपेड्रोल को स्टार्ट कैसे करेंगे वन टू टू एम पर सेगमेंट आपको टी टन तक का लेवल चाहिए होगा बेहतर है कि आप उसकी जो उसके बारे में क्योंकि क्वेश्चन वो बहुत सारे पूछ सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन पूछ सकते हैं तो आप एंटोनॉक्स का जिक्र कर सकते हैं ओपियॉइड्स का भी जिक्र कर सकते हैं और आपने जो है वो पॉइंट वन परसेंट आपने उसकी देनी है टू पर आवर इन्फ्यूजन के जरिए विद टू माइक्स पर एम ऑफ फेंटनल ठीक है ये यूएल प्रिपरेशन है जो आप याद कर लें और उसके बाद जो सिटिंग डोज देनी पड़ सकती है एंड पे जब ज्यादा प्रोग्रेसिंग हो रही हो लेबर और इवन आपको पोडेंडल नर्व ब्लॉक दे सकते हैं या आप सैडल ब्लॉक दे सकते हैं फॉर दैट टाइम ये एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी ठीक है अदरवाइज लेबर यही क्वेश्चन है बाकी कोई भी प्रेग्नेंट कंडीशन के विद 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 कार्डिक पेशेंट है 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 डीके विध ये तीन चार स्नैरियोज हैं जो कि पूछ सकते हैं वो आपसे तो जहन में ये रखें कि डीके प्लस प्रेगनेंसी वन वन प्लस वन विल बी थ्री माइट्रोसिस विद प्रेगनेंसी वन प्लस वन विल बी थ्री ठीक है बाकी चीजें वही होंगी वही कार्डिक पेशेंट होगा जिसके अंदर आपने टैकी कार्ड अवॉइड करना है जिसमें आपने इनवेसिव मॉनिटरिंग करनी होगी जिसके अंदर आपको स्ट्रेस uh, आपने सडन ही चेंज से बचाना होगा तो ये एक क्विक रिव्यू है ऑफ मोस्ट प्रोबेबली वो यही सवाल में से ऊपर नीचे करके यही सवाल ही बार बार पूछे एब्रप्शन पूछ लेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी पूछ लेंगे ये ये आठ दस सवाल हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं ठीक है तो उसके बाद आ, मैं आपसे आप, आप कौन आंसर करेगा हु वांट टू आंसर यस ओके हाफिज साहब एक थर्टी फाइव इयर फीमेल है नोन केस ऑफ रोमाटाइड आर्थराइटिस ठीक है शी इज पोस्टेड फॉर पैराम्लाइकल हर्निया रिपेयर ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल How will you evaluate this patient? What will be the problems? How will you give anesthesia? 35 year old female with rheumatoid arthritis posted for paramlical hernia repair. Okay. G, please. Um question what is hmm. rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis um, rheumatoid arthritis is a uh, disorder of bone and connective tissue characterized by thickening and uh, uh, thickening of the joints and pain due to uh, अब आप देखें अब आप पहली ही yeah. पहले ही जुमले पे स्टक कर गए क्वेश्चन yeah. yeah. क्या है कि ये क्या मल्टी सिस्टेमिक डिजीज विच इन्वॉल्व प्राइमरिली जॉइंट्स बट इट इज इन्वॉल्विंग अदर सिस्टम्स जी बट ऑल्सो दीटमेंट पेशेंट ठीक है okay. टेढ़े होने से परवाह नहीं है हमारा, हमारा ताल्लुक okay. रोमोटाटराइट से क्या है अच्छा अब आप इसकी इवेल्युएशन अगर कर रहे हैं चलिए मैंने आपको डेफिनेशन मैंने बता दी आप इसको यह बोलेंगे कि इट्स अ मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन

Would include preoperative assessment, including history, examination, and recent investigation, hmm. uh, and uh, assessment for associated comorbid condition. Hmm. Uh, ne, along with, yes. I this? take to the point, I I uh, uh, Is Is regarding um, uh, uh, duration of the disease and, uh, control of the 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 disease disease and and control with with medications and compliance to the medications along with any associated um, आपका, uh, sorry, uh, यासीन मैं आपको टोक रहा हूँ uh, आपको मुझे टोकना पड़ेगा आप मुझे ये बताएं कि एनसीजिया का क्या ताल्लुक है अभी तक आपकी इन बातों में चार पांच जुमलों में बीस सेकेंड में आपका कोई एनसीजिया की इन्वॉल्वमेंट आई है ये तो आप मेडिसिन की हिस्ट्री ले रहे हैं कि कि आप उसकी हिस्ट्री लेंगे कब से है और उसकी कोई कोर कोई कंडीशन तो नहीं है आप टू ना वहाँ पर टेबल वाईवे में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा रूमर आर्थराइटिस आता है तो दिमाग में आपके पहले शुरू में जो बातें आती हैं वो बताओ ना बेटा yes, uh, so Any, uh, ए, अच्छा, एक सेकंड एयरवे uh, की रीजन क्या है वो भी बोल दो में और कौन सा होता है जो मेन उसकी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से पेशेंट मुंह ही नहीं खोल पाता उेम्रोमेंट अगला क्वेश्चन आपसे होगा।, आप आप होगा ठीक है तो इसके अंदर भाई इसके अंदर एयरवे की भी इसमें वोकल कॉर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है क्योंकि ये स्मॉल ज्वाइंट्स को एर, लें, लेंग, लेंग, लेंग भी इन्वॉल्व करते हैं लेकिन टीएम जहां पर एयरवे का जिक्र आया ना बजाय इसके ये कि इस टाइम पे मॉर्गन मनहूस का सफा नंबर पचहत्तर याद कर रहे हो वहां पे क्या लिखा हुआ था खुद सोचो की एयरवे की इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं या मुंह नहीं खुलेगा या गर्दन नहीं हिलेगी और कोई तीसरी चीज होगी सुनो मेरी बात सुनो मेरी आपको मेरी बात समझ आई है या नहीं जहां पर भी एयरवे का जिक्र आएगा या तो मुंह खुलना है ना मुंह खोलोगे तो लैंगोस्कोप डालोगे ना तो या तो मुंह का मसला होगा yes, या गर्दन का मसला होगा yes, इतना इसमें सोचने की क्या जरूरत है जब मैं आपको yes, हिंट भी दे रहा हूं मुंह खोलना तो मुंह खोलने के लिए कौन सा ज्वाइंट होता है शुक्रिया बहुत बहुत ठीक है आपने yes, आपने अब आपने बताना है अंदर, तो पहला आपका एयरवे का हो गया तो एयरवे में आप कहोगे मेकिंग लेंगोस्कोपी एंड इंट्यूबेशन डिफिकल्ट। बस ये इतनी बात पे ये आपका yes. एयरवेस रिलेटेड बात खत्म हो गई। अब अगले पे आजो। अगला कौन सा सिस्टम बता रहे थे? पल्मोनरी बता रहे थे। यस। yes, तो उसकी वजह से uh, क्या प्रॉब्लम uh, होती है uh, और कैसे एल्यूवेट करोगे? I look for any uh, involvement of the respiratory system because there can be a disease that Fanconi syndrome, uh, which Chankini. can be a concern for me। अच्छा अ और उसमें रूमेटोइड अर्थराइटिस के साथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है एंड uh, अगर आप इसको ज्यादा आसान रखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा या ऑब्स्ट्रक्टिव होती है या रिस्ट्रिक्टिव होती है ठीक है जिंदगी आसान बनाओ इसके अंदर कौन सी होती है रिस्ट्रिक्टिव तो आपको किसी ने कहा जरूरी था फैनकनी सिंड्रोम का नाम लेना अब आप इंप्रेस करना चाह रहे हो एग्जामिनर को एग्जामिनर आपकी गर्दन दबा लेगा वो फैनकुनी सिंड्रोम के अंदर घुस जाएगा समझ आई आर वेरी स्मार्ट बिलीव मी फिर फिर नहीं। कहते हैं कि जी मुझे तो फेल कर दिया आपको क्या जरूरत पड़ी है इतना मुश्किल लफ्ज बोलने की ठीक है आपने जेन में रखो ये रखो कि रिस्पैरिटी देखो कोई भी डिजीज की इन्वॉल्वमेंट है या उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी या उसमें रिस्ट्रिक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी चाहे आप जो जितना मर्जी पढ़ लो है यही या वो रिस्ट्रिक्टिव इन्वॉल्वमेंट है

हमारे मुल्क के मेरे जैसे सुडो स्कूटर्स या स्कूटर्स नहीं पास होते कभी भी ये डीजी खान और मुल्तान वाले लोग कभी पास हो ही नहीं सकते थे अगर अगर, अगर उर्दू ना बोलने की इजाजत होती ठीक है ठीक <laughs> है इसलिए जहन में रखो इससे फर्क नहीं पड़ता और जो, जितने हमारे अगर कोई ब्रिटिश स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं वो कभी फेल ना हो तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है वहां पे आपको वो आपको सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ये बंदा जो भी बोल रहा है ये कॉन्फिडेंस से बोल रहा है या नहीं बोल रहा ठीक है तो ये इंग्लिश उर्दू का अपने दिमाग से निकाल दो बात ठीक है बेटा आ, ये आपने रेस्पायरेटरी सिस्टम नॉट ओनली ऑनली रोमटाइडाथराइटर्स किसी भी और सिस्टम हो तो आप जहन में रखो कि देखो दो तीन ही चीजें होती हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम में या उसके अंदर कोई ऑक्सीजनेशन का मसला होता है ठीक है या उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है ठीक है या तीसरी चीज होती है उसका रेस्पायरेटरी और कार्डोवेस्कुलर सिस्टम का जो आपस में कोरिलेशन होता है तीसरी चीज वो होती है उन तीनों में से कोई एक ही सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है ठीक है तो आप इसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग पैटर्न होता है मेनली लेकिन इसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो सकती है ठीक है तो उसकी वजह से कार्डियोस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा तो आपने बेसिकली आपने ये देखना है कि कार्डियो पलमनरी रिजर्व आपने देखना है और आप ये जो देखेंगे कि इसके अंदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा के आपको पता लगेगा एफ वी वन एफ वी सी और ये सारी चीजें ठीक है तो आपका ये

और बाकी जो प्रॉब्लम की वजह से ठीक है okay. तो मेडिकेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होगी इसमें वो कौन कौन सी होती है? uh, sir, uh, है, है और होते हैं वेरी गुड एक सिम्टोमेटिक रिलीफ होती है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ yes. के लिए एनसेट लिए जाते हैं ठीक है जो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, आ, तो हो सकती है। और और होते हैं। बोन मैरोन होती है ठीक है और जो एनसेड्स होते हैं उनसे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और जो जो रीनल फेलियर वाला जो एलिमेंट आता है किडनी इंजरी वो हो सकती है ठीक है उसके बाद जो स्टीरॉयड्स हैं तो आपने के बारे में देना कि के सारे हो सकते हैं। Pacific, की से जो उनका है वो सप्रेस हो जाता है तो आपको यू आर गेटिंग वहां पे आपने फोकस्ड बात करनी है उसे ना मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है और यूजली इसके अंदर फाइब्रोसिस टाइप की चीजें हो रही होती है ना तो वो वो पल्मोनरी भी होगी पल्मोनरी की वजह से रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न आएगा तो आप आप history, एक, आप पल्मोनरी हिस्ट्री जो जुमला बोलते हैं ना हिस्ट्री का क्योंकि आदत बहुत है तो वो उसका ये लफ्ज यूज करें आई विल द पेशेंट ऑन हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड सम इन्वेस्टिगेशन तो आप चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे एबीजीज करवा लेंगे एको करवा लेंगे ईसीजी करवा लेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा को रिलेट करके कि भाई इसमें कितनी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है सी बी सी करवाएंगे एल एफ टीज करवाएंगे रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे क्योंकि ये जो जितनी भी दवाइयां हैं उनके सारे सिस्टम्स पे इन्वॉल्वमेंट है तो रीजन आप बता देंगे कि भाई इम्यूनो से प्रेसेंट्स हैं डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं रीनल फेलियर हो सकता है तो ये इसकी वैल्यूएशन है ये आपको ये सारी बातें जो मैंने आपको दस मिनट में समझाई हैं ये आपको वहाँ पे दो मिनट में बोलनी पड़ेंगी क्योंकि वो पांच मिनट में तो पूरा सिनेरियो पूछना है उन्होंने उन्होंने आपसे एनेस्थीसिया भी पूछना है तो अगर आप इसी में फंसे रहोगे तो वो आगे कैसे जाएंगे ठीक है तो इसका कोई भी डिजीज हो तो डिजीज को सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना आना चाहिए और आपकी मस्जिद जो है वो एनस्थीजिया है तो आपकी मस्जिद देखो घूम फिर के ना कहीं जहां पर भी लिवर और किडनी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहां पर आपका मेटाबोलिज्म की प्रॉब्लम आ गई आपकी एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम आ गई ठीक है तो आपने ऐसी दवाइयां अवॉइड करनी है या ऐसी दवाइयों को देने में आपको प्रॉब्लम होगी कि जो लिवर के अंदर इन्वॉल्व अगर ऑलरेडी लिवर इन्वॉल्व है ठीक है अगर बोन मैनो की सप्रेशन है तो इन्फेक्शन के चांसेज हैं हीमोग्लोबिन अगर कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का मसला है ठीक है अगर को एग्लोपैथी है तो आपको रीजनल ब्लॉक लगाने में प्रॉब्लम होगी इवन आर्थराइटिस के अंदर तो रीजनल एनेस्थीसिया परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्चर्स बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट पोजिशनिंग ठीक है ये आपको हर डिजीज के yes. अंदर आपने बजाय इसके ये कि आप किताब के अल्फाज में चिमड़े रहो वो उसमें निकालो कि आपसे रिलेटेड क्या चीज़ है आपसे रिलेटेड क्या चीज बनती है और आपसे रिलेटेड या तो दवाइयां आप दे रहे हो ना तो वो लिवर से मेटाबलाइज होनी है किडनी से एक्सक्रीट होनी है है और जो albumin, free albumin, uh, sorry, free जो एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन फ्री फ्री सॉरी ड्रग है, वो प्रो, की वजह से ऊपर नीचे होगी ठीक है तो इससे आपको पता लगेगा कि भाई मैंने क्या करना है या आपने एयरवे एयरवे की मैनेजमेंट करनी है आपने या आपने कोई इसके अंदर रीजनल एना दे देना है ठीक है तो आप बजाय इसके ये कि किताबों के सफों को याद करने की कोशिश करो आप उसके अंदर देखो कि मेरे से रिलेटेड क्या चीज इसमें बनती है और वो एक, -एक दो, दो होती हैं हर डिजीज में वो ज्यादा बातें नहीं होती ठीक है।, है जी उमर साहब और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप अच्छा आ, फिर बाकी है कि ये सारी बातें हमारी डिजीज रिलेटेड थी सर्जरी रिलेटेड आप सर्जन से पूछ लेंगे कि भाई उन्होंने करना है या ओपन करना है उन्होंने सुप्राम्लाइक जब पैराम्लाइकल हरनी हो ना तो वो तोराम्लाइकल सुप्राम्लाइकल भी हो सकता है इन्फ्राम्लाइकल भी हो सकता है ठीक है रिकरेंट भी हो सकता है उसको हो सकता है पोस्ट सर्जिकल उसकी कोई पुरानी सर्जरी हो उसके बाद उसको हरनिया हो गया तो पैरामलाइकल हर्निया के अंदर ये चीज होती है ठीक है तो आप उनसे पूछ लें कि भाई उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज करनी है जो है वो लेप्रोस्कोपिक है या ओपन है तो लेप्रोस्कोपिक की कंसर्न आ जाएंगे ओपन अगर आप कर रहे हैं तो इंसियन बड़ी होगी आपने, आपने एनर्जीजिया बता देना पेशेंट ऑलरेडी मुख्तफ किस्म की मेडिकेशन पे होगा हो सकता है इसको भी मिल रहे हैं, हो, सकता, हो सकता है इनको ऑलरेडी एनसेड्स की वजह से प्रॉब्लम हो तो आपने उस हिसाब से अपने प्लान को आपने मॉडिफाई करना है आप उसमें ब्लॉक लगा सकते हैं आप उसमें जो है वो मल्टी मोडल एनर्जीजिया देंगे पेरास्टमोल एनसेड आप ऑलरेडी पेशेंट ले रहा है अगर फंक्शन डिस्टर्ब नहीं है एक ऑप्टिमल कंडीशन में चल रहा है तो आप दे सकते हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है बाकी आप जो आपको मल्टी मॉडल का आपको एक तरतीब आनी चाहिए डेक्स मेडिटोमडिन है या कैटमिन इन्फ्यूजन है या लाइडोकेन इन्फ्यूजन है वो आपको मल्टी मॉडल इनर्जीजिया का लफ्ज़ आप हर दफ़ा बोल सकते हैं मल्टी मॉडल एनर्जीजिया अलॉन्ग विद पैरस्टाम ओपियाड एंड आप पोस्ट ऑपरेटिवली पी सी ए का जिक्र कर सकते हैं उसको आपको थोड़ी बहुत उसका आइडिया होना चाहिए अगर आपको आइडिया हो जाता है और होना चाहिए ज़रूर कि भाई पी सी ए के अंदर एक बोलस डोज होती है एक मैक्सिमम आवरली रिक्वायरमेंट होती है एक लॉकआउट टाइम होता है ठीक है एडवांटेज क्या होता है जी पेशेंट सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है रिक्वायरमेंट कम हो जाती है हो सक मतलब रिक्वायरमेंट कम हो सकती है और आपको जो है कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे ठीक है जी उमर कोई चीज़ ऐड करना चाहोगे तकरीबन सारा तो आप लोगों ने कवर कर दिया है माशाल्लाह सर बस एक पॉइंट वही के पैरामाइकल हरनिया का स्टार्ट में कि इमरजेंसी वाला तो नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो नहीं है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देखो सर्जरी के अंदर ना मैं इस टाइम पे मैं भूल गया सर्जरी के लिए जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो क्या क्या थे अर्जेंसी रिस्क इंसियन एनी क्रिटिकल स्टेप ठीक है और उसके बाद उसमें पोजिशन ये आपको पाँच छः बातें तो आपको ये बात आपने जो बताई है ये अर्जेंसी से रिलेटेड ठीक है तो आप उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है या इनकारटेड है तो वो उस हिसाब से आपको वो बन जाएगा ठीक है ब्लीडिंग का रिस्क है और इसके अंदर क्रिटिकल तो, स्टेप क्या होता है जब भी पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट होती है ना तो उसके अंदर रेडिकार्डिया होने के चांसेस होते हैं ठीक है थीके? तो आप ये क्रिटिकल स्टेप के अंदर जो पॉइंट है वो आप उसमें ये बता सकते हैं पोजिशनिंग ऑफकोर्स ये तो सुपाइन पोजिशन ही होगा लेकिन आपको हर हर सर्जरी के अंदर देखना है कि सर्जरी का रिस्क क्या है अर्जेंसी क्या है एक्सटेंट क्या है एनसीएन पे लगनी है कोई आ, कोई क्रिटिकल स्टेप है ब्लीडिंग का रिस्क कितना है थ्रोम्बोसिस का रिस्क कितना है, ये सात आठ बातें लेकिन आप बोल देंगे भाई ऐसी कहीं पर भी कंडीशन जिसमें लिवर और किडनी की प्रॉब्लम है तो सेफेस्ट जो मसल रिलैक्सेंट है वोट्राक्यूरियम है ठीक है अगर आ, अवेलेबल है तो साथ आपने जो ओपीआई में अगर आपके पास अवेलेबल है या ऐसे सेटअप में है जहाँ पे अवेलेबल है तो रेमी फेंटनल सबसे सेफ है क्योंकि उसका मेटाबोलिज्म नहीं है ठीक है अदरवाइज फेंटानल भी क्योंकि uh, 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 क्या नाम है उसका उसका सर्कुलेशन टाइम कम होता है तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी फेंटनल भी आप दे सकते हैं मॉर्फिन जहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन है वहाँ पे आपने मॉर्फिन नहीं देना ठीक है उसके अलावा जो आपका uh, जो है एक और चीज़ हाँ जो इनहेलेशनल एजेंट है लिवर फेल प्रॉब्लम हो या किडनी की प्रॉब्लम हो डेस्ट फ्लोरेन इज अ बेटर चॉइस क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं है ज्यादा ठीक है खास तौर पे लिवर के अंदर मिनिमम मिनिमम मेटाबॉलिज्म है तो बाकी आ, फ्लोरेन का जो वो बताते हैं कंपाउंड ए या डेस फ्लोरेन का बताते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का वो आ, जो है वो ह्यूमंस के अंदर ज्यादा इतना वेल नहीं है वो चीज़ तो आप बोल सकते हैं इसलिए वो वो कंपाउंड ए वाला जो चक्कर है वो लो फ्लो एनेस्थीसिया में है और प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया के अंदर है तो उसके अंदर वो हो सकता है ठीक है तो ये तरतीब आप अपने जेन में रखें कि हर पेशेंट में एयरवे की मैनेजमेंट एस्पिरेशन का रिस्क पी यू एन वी का रिस्क एनलजीजिया इंटूबेशन कैसे करनी है आ, कोई खास ट्यूब तो नहीं डालनी ठीक है इंटूबेशन का रिफ्लेक्स आ, जो रिस्पॉस आता है उसको ब्लंड करने की जरूरत तो नहीं है इंडक्शन एजेंट कौन सा देना है इन्हेलेशनल एजेंट कौन सा देना है मसल रिलेक्सन कौन सा देना है एनलजीजिया क्या देना है कोई उसके अंदर ब्लॉक को दिमाग में रखें सेंट्रल न्यूरेक्सिल ब्लॉक या कंपार्टमेंट uh, ब्लॉक या नर्व ब्लॉक या लोकल इन्फिल्ट्रेशन वून कैथेटर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अंदर होनी चाहिए पैरास्टामोल एनसेड uh, जो है वो आपका ओप्यड इंट्रो पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव प्लान तक आपने बताना होता है ठीक है ना तो इस पेशेंट को भी आप एच में भेज सकते हैं कि भाई इसमें पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम हो सकती हैं रेस्पाटरी प्रॉब्लम हो सकती है या और कोई कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ठीक है तो आई होप कि आपको समझ आ गया जी उमर आप हैंड रेज किया सर मैं एक क्वेश्चन था बस के जो डेस्क लोरेन आपने बोली तो डेस्क का सर बोल दें बेफिक्र हो के वो फिर सर उसमें ना चले जाएं कि वो शुरू में जो लोरेंजल स्पैज्म होता है या वो जो लेरिंग्स को इरिटेट करती है और उसके जो प्रॉब्लम है

ब्लंट uh, नहीं करते इनहेलेशन एजेंट्स बाय द वे लो मैक में में नहीं करते इसीलिए तो लाइट प्लेन ऑफ प्रॉब्लम होती है तो डेस्क फ्लोरेन की जो प्रॉब्लम है वो दो आप जेन में रखें कि एक तो इससे इमरजेंस डिलीरिया होता है क्योंकि फॉरन वॉश आउट हो जाती है ना तो इससे इमरजेंस डिलीरिया होने के चांसेस होते हैं तो आपको एक्सपेक्ट करना है इसलिए इसलिए वो मैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है कि डेस्क फ्लोरेन के साथ अगर आप डेस्क मेडिटू दे रहे हैं ना तो वो एक्सलेंट रिकवरी होती है क्योंकि वो डिले भी नहीं होती अगर आपने उसको कंबाइन करके आपने एक तरतीब से दिया हुआ है तो आपकी बहुत अच्छी रिकवरी होती है तो आप ये बोल सकते हैं कि डेस्ट अगर वो आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट करेगा तो आपसे या तो वेपराइजर के बारे में पूछेगा या तो वो वेपराइजर के बारे में पूछेगा तो आपको वेपराइजर पता होना चाहिए कि भाई इसका वेरिएबल बाईपास नहीं है वेपराइजर इसका दूसरी टाइप का वेपराइजर है जिसमें इसको बॉयल किया जाता है और इसके वेपर्स डायरेक्ट शामिल होते हैं ये इलेक्ट्रिकल होता है हीटिंग होता है टेक्स सिक्स होता है तीन चार बातें याद कर लो यार देखो मेरी बात सुनो यू आर गोइंग फॉर फॉर फेलोशिप ठीक है आप एक एक एग्जिट एग्जाम के के देने के लिए जा रहे हैं तो चीजें तो आपको को आपको आनी चाहिए ना समझ आई और वो बातें इसी तरीके से याद होंगी अब आप लोग इतने दिन से मैंने आप लोगों को आपके हाल पे छोड़ दिया आप लोगों में से किसी को भी ये इतना ख्याल नहीं आया कि जो है हम रबता कर ले मैं आज ढीट बन के फिर मैं खुद से मैंने ही रबा किया आप लोगों से

पाकिस्तान की कौन मैं भी पाकिस्तानी हूँ मुझे पता है मैं बहुत ढीट हूँ तो मुझे मे, मेरा मुकाबला आप लोगों से ये कि आप लोग ज्यादा ढीट हैं या मैं ज्यादा ढीट हूँ ठीक है ये <laughs> मुकाबला सिर्फ इसी बात का है मैं तो आप लोगों को पास होना देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये तीसरी अटैम्प में मैंने एफ पास किया है मुझे पता है कि वावे की तीसरी अटैम्प की टेंशन क्या होती है ठीक है बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ ये मैं पीछे लग रहा हूँ आप लोगों के फायदे के लिए बोल रहा हूँ मुझे कोई नहीं है और एक और एक और बात याद रखो कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर ठीक है तो ये वाईवे ये ये जो आपने बोला ना कि आप नाराज हैं तो मैं नाराज हो के मैंने क्या ज्यादा मैंने डंडा तो नहीं मार देना यार <laughs> तो इसलिए जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है आप लोगों को तो सिर्फ मुझे ही बाप बनाना पड़ रहा है वो भी बाप क्या बनाना पड़ रहा है मेरे मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ और जवाब दो खत्म बात ठीक है या, यासीन साहब ठीक है तबीयत ठीक है ज्यादा ओवर डोज तो नहीं हो गई है नहीं नहीं सर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने लगा था तो वो मुझे इस बात पे ऐसी आ गई क्या आप कोई एक लॉन्ग केस के लिए सेशन रख सकते किस्म का जी जी बिल्कुल हम लोगों ने किया था और मैं फिर नाराज जब हो गया था उससे पहले मैं लॉन्ग केस ही शुरू करने लगा था मैं नहीं था उसमें आई जी जी जी, जी 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 आप उस वक्त مصروف थे हम लोग सारे खाली लो हो इकट्ठे हो गए थे अच्छा वो रिकॉर्डिंग में है जी बिल्कुल बेटा जी ये वाइवा प्रैक्टिस के अंदर बेतहाशा मैंने एक दफा नहीं अब तो दस दस दफा हो, हो गई होंगी ये चीजें देखो लॉन्ग केस uh, के बारे में आप जेन में रखो बात की लॉन्ग केस का हवा ना बनाओ लॉन्ग केस के अंदर एक बेसिक थीम होती है वो बेसिक थीम ये है कि आप अगर जो लोग कॉमन गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पर लोग मरीज की शक्ल देख के उसकी कन, उसके सिम्टम्स सुन के उसके सवालों के जवाब से वो आगे सवाल पूछ रहे होते हैं वो कभी भी आप 10 मिनट में सवाल पूछ ही नहीं सकते

कि भाई आपने आप, आ, रीनल सिस्टम को देखना है तो क्या पूछना है रिस्पायरेटी सिस्टम को पूछना है तो क्या पूछना है ठीक है वो आपके आठ दस सवाल आपके और लिस्ट बनाओगे ना तो थोड़े से सवाल रह जाएंगे आपने अगर सांस चल फूलने का पूछ लिया है या चेस्ट पेन का पूछ लिया है कफ का पूछ लिया है, तो वही रिस्पायरेटी सिस्टम में भी आता है और वही उसमें भी आता है औरथोपनिया पीएनडी वो एक ही चीज है वो चाहे कोई डिजीज भी होगी उसमें होगी तो वो इसी तरीके से होगी पोस्टोर हाइपोटेंशन होनी है तो वो होनी है ठीक है ना तो आपको खुद अपने दस बारह क्वेश्चन बना लेने हर सिस्टम के जैसे लेबर को आपने रूल आउट करना है तो वही नोजिया वही वो वोमिटिंग वही वो एबडामिनल पेन वही ज्वाइंटस वही ब्लीडिंग की हिस्ट्री वही आपके इचिंग की हिस्ट्री यही दस बारह सवाल है ना लिवर के तो आप अपने हर सिस्टम के दस बारह सवाल बना लो और वहां पर आपके सामने इंसान के बजाय कोई जानवर भी होना तो आपने वही सवाल पूछ लो मतलब बताने का मकसद ये कि वहां पर आप मरीज की शक्ल देख के सवाल ना पूछो हाँ आपको पता भी लग जाएगा कि ये थायराइड है तो भी अपने क्वेश्चंस मुकम्मल कर लो दस बारह क्वेश्चंस आपके डेमोग्राफिक्स के हैं ये उसकी एज उसका सेक्स उसकी sex, उसकी पर्सनल हिस्ट्री उसकी प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री कोई पर्सनल हैबिट्स पान बीड़ी एटसेट्रा एटसेट्रा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री कोई लूज टूथ ये बीस पंद्रह बीस सवाल ऐसे हैं जो कि आपकी टिप्स पे होने चाहिए और वहां पर टाइम नहीं है प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहां पर अगर आप इस इन बे, बे बेकार की चीज़ों में फंस जाओगे ना तो आप काम की बात नहीं पूछ सकोगे और वहां पर प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग पंद्रह मिनट में हिस्ट्री मुकम्मल नहीं होती एग्जामिनेशन पे हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं और वो टाइम गुजर जाता है तो फिक्स घड़ी लगा के दस मिनट में हिस्ट्री दस मिनट में एग्जामिनेशन और अगले पाँच से छः मिनट में आप इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनर से पूछो और जो चीज़ें आपकी मिस हो गई हैं वो आप उनसे दोबारा पूछ के अपने केस को प्रिपेयर करो ताकि आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि मैं जो वहां बकवास करूंगा उसी से मेरा भाई भाई पूछा जाएगा ठीक है तो ये तरतीब है, मेथे। है क्लिनिकल मेथड बेटा अब आपको कोई इस वक्त तो कोई सिखा नहीं सकता आप इसलिए उसका भी तरतीब यही है उसकी भी तरतीब यही है कि मैंने वो एक फोल्डर में लिखा हुआ है सारा कि आपने क्या करना है और उसके अंदर हाथ के अंदर आपने क्या देखने होते हैं आपको अलग से एक एक चीज बता देता हूँ हाथ में क्या फाइंडिंग्स होती हैं किसी भी मरीज में या तो वो उसके नेल्स में होती हैं या वो उसकी क्लबिंग होती है या उसके ट्रेमर्स होते हैं या उसकी स्वेटिंग होती है या उसकी कोई ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम होती है वहीं पर आपने उसकी हैंड की ग्रिप भी चेक कर ली ठीक है उसके बाद ऊपर आप आ जाओ एल्बो में क्या आप फोर आर्म में क्या देखोगे फोर आर्म आप देख लो कि भाई आईवी वी लाइन के लिए जगह ठीक है सूटेबल है आपने उसकी पल्सिस चेक कर ली वो एक साइड पर हाथ रखा तो दूसरी साइड की भी पल्स चेक कर ली आपने दो रिफ्लेक्सिस कर लिया एक आपने बाइसेप कर लिया एक आपने ट्राइसेप कर लिया ठीक है उससे ऊपर आ जाओ आप एक्जिला में चले गए एक्जिला में क्या करना है एक्जिला में आपने एक्जिला लिम्फ नोड देखने उसके बाद ऊपर आप आ जाओ आप नेक में चले गए नेक की मूवमेंट देख लिया आपने वहीं पे आपने एयरवे देख लिया वहीं पे आपने चार पांच नर्व चेक कर ली आपने हाइपोग्लोसल नर्व भी चेक कर लिया आपने फेशियल नर्व भी चेक कर लिया आपने एनीमिया भी देख लिया आपने तो बेसिकली ये भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बजाय इसके ये कि वहाँ पे मरीज की शक्ल देख के फाइंडिंग आपको याद आए कि इसमें ये भी करना है और उसके अंदर ये भी करना है वहाँ पर जो जनरल जो कॉमन चीजें हैं वो तो आप इन अ फ्लैश आप कर लोगे और जब आप हिस्ट्री कर ले रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर कौन सा सिस्टम गैर ज़रूरी है ठीक है अगर एक पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको दस रिफ्लेक्सेस करने की या दस उसके सेंसरी सिस्टम चेक करने की जरूरत नहीं होगी ठीक है तो आप मरीज को ऊपर नीचे ना करो अगर आप हाथ चेक कर रहे हो तो हाथ से आपने शुरू किया है तो आप बिठा के जो काम करने हैं वो बिठा के कर लो जब तो आपने उसको अंड्रेस करना है तो आप अंड्रेस करने के बाद फ्रंट ऑफ चेस्ट से जो चीजें चेस्ट और एबन में क्या देखना होता है वही प्रकशन है वही पैल्पेशन है वही इंस्पेक्शन uh, है वहां पर आपसे वो फाइंडिंग करके आपको वो लिवर का पैल्पेट करके तो नहीं आप आपने एग्जाम पास करना है ठीक है वहां पर आपको सिर्फ ये वहां पर मरीज की तरफ आप देखते रहे मुस्कुरा के देखते रहे आपने हाथ को रब करके दिखाना है उनको और आपने उनको देखना है कि भाई आप पेशेंट को बहुत जेंटल हैं बहुत आराम से उनसे उसके साथ कर रहे होते हैं तो क्योंकि वो लोग देख रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये तरतीब बना लें हर सिस्टम की हर ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं इट्स वेरी ईजी लेकिन उसका तरीका क्या है उसका तरीका ये आपको पहले से रट रट्टा मारना पड़ेगा एग्जामिनेशन और हिस्ट्री का वहां पर जो कंप्लेन वो बताए उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो कि भाई वो कंप्लेन कब से है कैसे बढ़ती है कैसे कम होती है कोई ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया है एग्रेवेटिंग या रिलीविंग फैक्टर्स क्या है क्लिनिकल अगर आप ये समझ रहे हो लोग क्या करते हैं इस टाइम पे आपके चैंपियन लोग कह रहे होंगे जी नाम दानिश पढ़ो बेड साइड पढ़ो अगर आप इतने आ, मतलब मैं इस पर सिर्फ हंस ही सकता हूँ क्योंकि वहां पर आप जाके फिर आपको ये बात समझ आएगी फेल होने से पहले अगर समझ आ जाए जा तो ज्यादा बेहतर है इत, इस देखो वो आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं बना रहे वो आपको सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसकी और आप ट्राई टू ट्राई नॉट टू बिकम अरो पर आपको पता है जब हीरो बनने की कोशिश करते हैं तो बिलीव में आप यकीन नहीं करोगे कम अज कम मैं दो लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने एयरवे का एग्जामिनेशन ही भूल गए कैन यू बिलीव दिस एफ सी पी एस पार्ट टू लॉन्ग केस एयरवे का एग्जामिनेशन किए बगैर उनमें से एक का एग्जामिनर बहुत अच्छा था उसने रगड़ा उसको खूब लेकिन पास कर दिया दूसरे ने उसको फेल कर दिया उनमें से एक लड़का इस वक्त इंग्लैंड बैठा हुआ है और एक लड़का इस वक्त अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना बैठा हुआ है ठीक तो है वक्त गुजर जाता है सारों के लिए इसलिए आप परेशान ना हो लॉन्ग केस की लॉन्ग केस को पास करने का एक टैक्ट है कि आपने 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 लॉन्ग केस और अभी जिसने फैन बोला था ना फैन सिंड्रोम अगर इस किस्म की चीजें आपने एग्जाम में बोली बिला वजह तो आप अपने लिए वो हमारा एक दोस्त था वो कहता था पंद्रह हजार रुपया दोबारा से जमा करा दो तो वो पंद्रह हजार दोबारा से रेडी कर लेना फिर अगर आपने इस किस्म के आंसर दिए ठीक है समझ आ गई बात? जी सर, एक एक इस लिंक के अंदर एक किसी एक डॉक्टर साहब ने आगा खान के डॉक्टर साहब ने ना वीडियोस रिकॉर्ड की हुई है वो मैंने पहले भी शेयर की थी वो मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा सर जब आप हाँ बता रहे होते हैं तो सब कुछ इजी लग रहा होता है हम ऐसे ही कर रहे होते हैं लेकिन जब हमें बताना पड़ता है तो हमें मुश्किल लगता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि आप लोग घूंघट में बैठे हुए तो घूंघट से बाहर निकलेंगे मेरे से थोड़ी बहुत बेजती कराओगे तो तभी वाईवे में जाके कम होगी बेजती मेरे बेस्ती कराने से डर जाते हो अब मैं यही कह सकता हूँ और इसके अलावा मैं नहीं डरते यू आर हेल्पफुल लेकिन हम हम बस अपना इनपुट नहीं दे पा रहे लेकिन देखो, विल, देखो मेरी बात सुनो आज बारह तारीख है बारह तारीख है आज ठीक है अभी आप लोगों के पास सात आठ दिन है अगर आप लोग समझते हैं तो मैं तो देखो सिनेरियो मैंने भेजने की कोशिश की लेकिन अगर कोई भी बंदा जवाब नहीं देगा तो मतलब मैं इंसान हूं ना भाई मैं आगे से मुझे कोई रिस्पांस नहीं दोगे तो मैं दीवार पे बॉल छोटी एज में तो बचपन में मैं बॉलें दीवार पे मार के भी खेल लेते थे तो अभी इस एज में आके ये काम करना जरा मुश्किल है ठीक है आप लोग जवाब दें प्रैक्टिस इसी तरीके से होती है देखो वाइवा में जो फेल होता है वो आपका क्या ख्याल है कि आपको आता नहीं है वो सब आता होता है प्रॉब्लम होती है सिर्फ वो तीन चार मिनट के अंदर एक आंसर को कंपोज करना वो कोई भी देखो डिजीज मैंने आपको बताया था कि हर डिजीज के अंदर पंद्रह बीस डिजीज को आप कॉमनली याद कर देखो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ सिंकल सेल डिजीज हिमोफीलिया थैलेसीमिया या जर्नल एनीमिया थीके? या इसके अलावा में, में आएगी ठीक है क्या है जी एक हीमोग्लोबिनोपैथी है जिसके अंदर एक अलाइनमेंट खराब हो जाती है माइनो एसिड की जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन बनता है वो वीक होता है सिकल करने की उसमें टेंडेंसी होती है तो जैसे ही उसमें स्ट्रेस पड़ता है तो वो सिकल कर जाता है ठीक है उसकी वजह से क्या होता है तो इसके उसकी वजह से सिकलिंग क्राइसिस होने के चांसेस होते हैं या वो क्लूसिव क्राइसिस होता है प्लास्टिक क्राइसिस होता है सिक्वस्ट्रेशनल क्राइसिस होता है या हीमोलिटिक क्राइसिस होता है तो अल्टीमेटली इसके अंदर रिजल्ट होता है अनिमिया अनीमिया की वजह से होता है या वो कम्पनसेटेड अनीमिया होगा या वो डिकम्पनसेटेड अनीमिया होगा सिंपल एज दैट और सिकल सेल की वजह से जब ये हो रहे होते हैं तो सिकलिंग की वजह से इन्फार्क्ट्स होते हैं इन्फार्क्ट्स थ्रू आउट बॉडी कहीं पर भी हो सकते हैं वो सीवीए भी हो सकता है वो आ, क्या नाम है उसका कोलिसटस भी हो सकता है वो रे, रेस्पायरेटरी भी हो सकता है वो स्प्लिनिक भी हो सकता है वो कहीं पे भी हो सकता है तो वो आपका वो आपकी वैल्यूशन होगी उसके बाद इन पेशेंट में रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रॉब्लम्स होती हैं इस पेशेंट के अंदर जो है वो आपने हीमोग्लोबिन एस के लेवल को आपने ऑपरेशन से पहले मिनिमाइज करना होता है ठीक है ये पेशेंट ओ पी हो सकते हैं क्योंकि इनमें सीवियर पेनफुल क्राइसिस होते हैं सऊदी अरब में मैंने बेतहाशा मैंने इससे पहले कभी पाकिस्तान में देखे ही नहीं थे सिकल सेल डिजीज के पेशेंट तो यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसमें असल प्रॉब्लम पेन की रह जाती है वो इतनी सीवियर पेन होती है कि वो लिटरली ओपीआई एडिक्ट होते हैं कट कहीं उसमें नॉट एडिक्ट ओपीआई डिपेंडेंट हो जाते हैं वो ठीक है तो ये चार पांच बातें इसी तरीके से आप हीमोफिलिया निकाल लोगे जी हीमोफिलिया क्या है जी आ, फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है फैक्टर एट की और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होती हैं तो आपने उसका उसका बेसलाइन लेवल करवाना है और आपने उसके रिप्लेस करना है ठीक है और आपने जो कोई भी प्रोसीजर्स होंगे इवन आई लाइन है लेरंगोस्कोपी है कोई भी आप एन पास कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो आपको उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है उसके अलावा और आपसे क्या पूछेंगे मुझे बताएं वो आपको हीमोफिलिया के फैक्टर्स को कैलकुलेट अगर आप प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को किताब से बाहर निकालें जब तक आप किताब से बाहर नहीं निकालेंगे वाई वाई जितना आप किताब के अंदर घुसेंगे उतने फेल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे ये ये जो मैंने आपको दो तीन डिजीजेस की प्रैक्टिस कराई है ना ये आप हर डिजीज की इस तरह थैलेसीमिया इसी तरीके से आप हर डिजीज जो कॉमन डिजीजेज है ना उसको इस अंदाज में एक्सप्लेन करना सीख लें कि भाई ये कैसे एक्सप्लेन करनी है सीओपीडी है जी क्या है जी सीओपीडी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसके अंदर एयरवे की हाइपर एक्टिविटी होती है और रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से या तो वो एम्फाइसिमेटस पिक्चर होती है या क्रॉनिक ब्रॉन्काइटस की पिक्चर होती है अगर वो एल्फाब एंटीटेप्सिन की डेफिशेंसी है या स्मोकर्स हैं उसके अंदर अल्टीमेटली क्या होगा या मिक्स पिक्चर होती है या उसके अंदर क्रॉनिक ब्रॉकाइटस प्रीडोमिनेंट होता है या एम्फाइसिमेटस प्रीडोमिनेंट होता है वो पिंक बफर्स और ब्लू बफर्स को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए ठीक है उसके बाद आपका अल्टीमेटली क्या है कि इसके अंदर एक रिवर्सिबल कॉम्पोनेंट है और एक इ रिवर्सिबल है तो आपने जो भी इवेलुएट करके आपने इसमें मल्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है क्योंकि हार्ट की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कॉर पल्मोनेल वाला सिस्टम भी आ जाता है तो आपने उसमें ये कहना है कि भाई हमने इसमें टारगेट करना है रिवर्सिबल कॉम्पोनेंट तो रिवर्सिबल कॉम्पोनेंट को कैसे करेंगे आप एंटीबायोटिक देंगे आप ब्रॉन्कोडाइलेटर देंगे आप चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे आप इफ्यूजन को ट्रेन करेंगे आप हार्ट फेलियर को ट्रीट करके और आपने उसको ऑप्टिमाइज कर देना ठीक है और उसके बाद आप एयरवे के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं जो प्राँगे। आप इसकी ब्रोंगोस्पैजम होने के ज्यादा चांसेस होंगे आपने ऐसी मेडिकेशन अवॉइड करनी है जिनसे हिस्टमिन रिलीज हो आपने डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में करना है आपने तो बेस लाइन ऑक्सीजन और बेस लाइन सीओ को आपने मॉनिटर करना है क्योंकि अगर आपने ओवर करेक्ट कर दिया तो पेशेंट रेस्पेटी फेलियर में चला जाएगा ठीक है अगर वो उसपे एम्फाइसमेटर्स भुले बने हुए हैं तो आप रीजनल है लगाने में भी अगर आपको ऊपर सुप्रक लेविकल में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने ज़्यादा हाई एयर पर प्रेशर दी है तो उसकी वजह से भी न्यूमोथोरक्टी वाले हो जाता है तो आप आप कोशिश करके तो देखो किताब से बाहर निकलो और हर डिजीज़ की एक लिस्ट बनाओ ये जो तीस पैंतीस डिजीजे है ना उनको आपको इस तरह एक्सप्लेन करना आना चाहिए जब आपको इस तरह एक्सप्लेन करना आ जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एग्जाम के अंदर आप मिस भी नहीं करेंगे कोई चीज़ ठीक है तो मेरे ख्याल अभी के लिए इतना काफ़ी है

आपका ना पीछे शोर बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत ज्यादा शोर हो रहा है मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ नमाज का टाइम हो गया मैंने नमाज पुलिस जाना है बहरहाल आप लोग ऐसा कीजिए कि देखें आप लोग कॉन्स्टेंटली स्नैरियो कोई भी सवाल पूछना हो एनी वन कैन टेक वॉलेंटियर कोई एक सवाल का जवाब बोले मैं उसके अंदर करेक्शन कर दूंगा गलतियां कर दूंगा आप लोग एक दूसरे का सुने वाइवा देखो वाइवा याद रखो वाइवा प्रैक्टिस की गेम है वाइवा पढ़ने की गेम नहीं है वाइवा के अंदर मेरे हिसाब से फोर्टी थर्टी टू फोर्टी परसेंट नॉलेज एंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट योर कॉन्फिडेंस हाउ यू एक्सप्रेस डोंट ट्राई टू अटर एनी वर्ड विच यू डोंट नो दिटेल्स ऑफ विच आप चीज बोलेप्लेन कर सकते हैं ठीक है तो एनी वेज बहुत बहुत शुक्रिया ये आप अच्छा इसी किस्म के देखो सेशन मैंने पहले लिए हुए हैं प्रैक्टिस में तो आपको यही सारी चीजें मिल जाएंगी अदरवाइज मेरा मशुरा आपको यह है कि अभी भी जितने दिन रह गए हैं आप हर सिस्टम को डिवाइड करो कि गाइनिंग ऑफ्स में क्या इंपॉर्टेंट बातें पीडियाट्रिक्स में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं रोमोटोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट बातें ऑर्थोपेडिक्स में क्या इंपॉर्टेंट बातें एक आप अपनी सिस्टम को कर लो ये जो तीस चालीस डिजीजेस बनती हैं उनको एक्सप्लेन करना सीख लो ठीक है और हर सिस्टम को इवेल्युएशन के अंदर आपने जुमला वहां पे क्योंकि टाइम नहीं होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट एनासीजिया से रिलेटेड क्या बात है तो एनासीजिया से रिलेटेड या तो देखो कार्डिक फंक्शन डिप्रेस होगा या रिस्पैरेटरी फंक्शन की प्रॉब्लम होगी या लिवर का फंक्शन ठीक है या रीनल फंक्शन डिप्रेस होगा इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम होगी तो ए हो सकते हैं तो आपको अपने आप को बिजनेस हैंड पे लेकर आना है आपने उन चीज़ों पे लेकर आना है कि जिनका आपसे ताल्लुक है क्योंकि अल्टीमेटली तो वो एग्जामिनर या अगले स्टेप में आपसे यही सवाल पूछेगा ना कि भाई आप क्या करेंगे तो आपको हर चेस्ट एक्सरे कराना है तो क्यों कराना है तो बजाय इसके ये कि आप ये बोले पहले स्टेप में कि मैं जी चेस्ट एक्सरे कराऊंगा तो आप ये बोलें कि वी विल डू चेस्ट एक्सरे टू सी दिस अब आपसे आपने अपना भी टाइम बचा लिया एग्जामिनर का भी टाइम बचा लिया मैं एको करके देखूंगा कि इसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन कैसा है इसके वेल्व के वेल्व का साइज कैसा है उसकी ओपनिंग क्लोजर ठीक हो रही है कोई क्लॉट तो नहीं है चेस्ट एक्सरे में मैंने देख लिया जी कोई फेलियर के साइंस तो नहीं है कोई कोई बोनी डिफॉर्मिटी तो नहीं है कोई मतलब आप तीन चार बातें आप याद कर लें तो उन्हीं में से कोई एक चीज़ होगी रीज़न सी में मैं देखूंगा कि भाई इसमें हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है कि नहीं क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के उस पर डिपेंड करती है मेरा पूरा एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करती है डब्ल्यू बी सी काउंट है इन्फेक्शन से रिलेटेड है प्लेटलेट काउंट्स है आपकी रीजनल से रिलेटेड है ठीक है इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको इरिदमिया का बता दिया है कहीं भी कोई ऐसी कंडीशन हो लिवर फंक्शन है अच्छा जी सारी दवाइयाँ हमारी लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं तो लिवर का अगर फंक्शन डिस्टर्ब होगा एल्ब्यूमिन लेवल कम होगा या लिवर इन्जाइम रेज होंगे तो आप ऐसी मेडिकेशंस के जो लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं वो आप कॉशियसली देंगे अच्छा जी रीनल फंक्शन डिस्टर्ब है जी आपने उसकी कोई हिस्ट्री दे ली अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो उसके अंदर आपने देख लिया अगले स्टेप में कि भाई उसका यूरिया कराटिन ठीक है ठीक है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी जो मेडिकेशन हैं क्योंकि दो ही चीज़ें होंगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो लिवर को डैमेज करेगी या किडनीज को डैमेज करेगी या कोई ऐसी चीज़ होगी कि अगर लिवर किडनी डैमेजड है तो उनके अंदर उनके मेटाबोलिज़म में प्रॉब्लम होगी ठीक है बाकी अल्लाह आसानी करे आप लोगों के लिए जस्ट स्टे इन टच फिर मैं सिनेरियोस भेजो सवाल पूछो कल भी इंशाल्लाह शाला मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को टाइम ले लूँगा ठीक है ओके असल